अमेरिका के व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात के बाद विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने बताया कि दोनों की मुलाकात दोस्ताना माहौल में हुई। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे यानी 90 मिनट तक चली। दोनों नेताओं ने अपने अनुभव साझा किए और दोनों देश के रिश्तों को मजबूत करने पर एक मत है। A large number of eminent chief executive officers of largely Fortune 500 companies. The approach that the Prime Minister followed in that interaction was that he laid out his vision for economic development in India and then said that India is open-minded and we want change. And we want change that is not only one-sided, and he felt for that change to be broad and acceptable, it required inputs from a variety of sources. These include citizens, of course, but also industrialists and investors. पीएम मोदी और बराक ओबामा की बैठक के दौरान व्हाइट हाउस की ओर से साझा बयान जारी किया गया है। अमेरिका ने कहा है कि दोनों देश चलें साथ साथ। यूएन में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के लिए भी भारत की पैरवी की। 5 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के सबसे अहम पड़ाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दरवाजे पर आकर उनका स्वागत किया। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच मुलाकात का ये पहला मौका था। ओबामा के डिनर में उपराष्ट्रपति जोए बिडेन ने विदेश मंत्री जॉन केरी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुजैन राइस भी आमंत्रित हुए। इसमें पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, विदेश सचिव सुजाता सिंह और राजदूत एस जयशंकर मौजूद रहे। बराक ओबामा ने पीएम मोदी का स्वागत केमछो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहकर किया। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबामा को गीता भेंट की है। मोदी ने मार्टिन लूथर किंग की ऑडियो रिकॉर्डिंग की क्लिप भी ओबामा को भेंट की। मोदी के सम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डिनर रखा। हालांकि प्रधानमंत्री इन दोनों नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं और ओबामा के इस डिनर में उन्होंने सिर्फ नींबू पानी ही पी लिया। न्यूज पॉइंट ब्यूरो।